एक गंभीर विषय, जहां मुख्यमंत्री रोज फोटो खिंचवाते, कभी गाय को चारा देते हुए, रोटी देते हुए दिखाए। गौ हत्या का पाप है, ये केवल ललितपुर की घटना नहीं है, उत्तर प्रदेश के सभी कमोवेश गौशालाओं की यही स्थिति है। कांग्रेस पार्टी इन विषयों को लेकर, मुद्दों को लेकर गौशालाओं की स्थिति सुदृढ़ हो, इन विषयों और मुद्दों को लेकर 26 तारीख से गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा करने जा रहे पूरे प्रदेश। संदेश प्राश्चित करें मुख्यमंत्री, पाप किया है उन्होंने, गौ हत्या का उनके ऊपर आरोप है, उन्हें जवाब देना होगा। कैसे ये स्थिति हुई, गाय से हम सब लोगों का भावनात्मक लगाव, गाय को हम माता की संज्ञा देते हैं, और जो सरकार गाय के नाम पर राजनीति कर रही थी उसे जवाब तो देना पड़ेगा। कभी गाय को चारा देते हुए, रोटी देते हुए दिखाए। गौ हत्या का पाप है, ये केवल ललितपुर की घटना नहीं है, उत्तर प्रदेश के सभी कमोवेश गौशालाओं की यही स्थिति है। कांग्रेस पार्टी इन विषयों को लेकर, मुद्दों को लेकर गौशालाओं की स्थिति सुदृढ़ हो, इन विषयों और मुद्दों को लेकर 26 तारीख से गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा करने जा रही पूरे पुलिस। झांसी में अपने पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, सभी प्रदेश के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और सदस्यों के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश के गौशालाओं की स्थिति अत्यंत ही खराब है, और खासकर बुंदेलखंड के ललितपुर में जिस तरह 100 से अधिक गाय मृत पाई गई, चारे के अभाव में, भोजन के अभाव में और ठंड के नाते, एक गंभीर विषय है। जहां मुख्यमंत्री रोज फोटो खिंचवाते, कभी गाय को चारा देते हुए, रोटी देते हुए दिखाएगा। गौ हत्या का पाप है, ये केवल ललितपुर की घटना नहीं है, उत्तर प्रदेश के सभी कमोवेश गौशालाओं की यही स्थिति है। कांग्रेस पार्टी इन विषयों को लेकर, मुद्दों को लेकर गौशालाओं की स्थिति सुदृढ़ हो, इन विषयों और मुद्दों को लेकर 26 तारीख से गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा करने जा रही पूरे पुलिस। जिंदाबाद, अजय लल्लू, जिंदाबाद, अजय लल्लू, जिंदाबाद, जनता गांधी, जिंदाबाद। वर्मा जी गाड़ी कहाँ है? क्या